పెద్ద ఎత్తున మహిళా సోదరి మనులు ఇటీవల మహిళా బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి ఈ యొక్క ఇందూరు ప్రజానికం ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల యొక్క మహిళలందరూ కూడా ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నారు కొద్ది సేపట్లో మీ మధ్యకి రాబోతున్నారు దయచేసి అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను ఇంత పెద్ద ఎత్తున వేలాది మంది లక్ష మంది పైగా ఇంకా అనేక లక్ష మంది కనీసం బయట ఇక్కడికి చేరుకోలేకపోయారు వారందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాం कनी विनी एरगने रीतिगा इंदूर जनगर्जनकु तरलि वच्चिन प्रजानिकानिकि अंदरिकी कूडा हृदयपूर्वकमैन धन्यवादालु तेलियजेस्तुन्नाम ओक जननायकुनिकि प्रजानायकुनिकि रैतु बांधवुनिकि व्यवसायं लाभसाटिगा चेयालने ओक उद्देशंतोनि व्यवसायं कोसं एंतनो प्रोत्साहिस्तुन्न मन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारिकि స్వాగతం పలుకుతున్న రైతు సోదరులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం భారత్ మాతా కీ మోడీ 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 ఇంతటి జన నిరాజనం మధ్యన తరలి వస్తున్న प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारिकी स्वागत सुस्वागत इसक वेस्ते रालनंत प्रजानिकं पेद्द एत्तुन स्वागत पलुकुतुन्नदी चारित्रात्मक सभा इंदूर जन गर्जन लक्षलादि मंदि प्रजल योक्क अभिमानं मध्यन कदली वस्तुन्न भारत प्रधानमंत्री प्रपंच नायकुडु श्री नरेंद्र मोदी की स्वागतं सुस्वागतं महिलले कादु पेद्दैतुन रैतांग सोदरुलु सैतं तरलि वच्चारु पसुपु रैतुलु मरि इतर रैतुलंदरू कूडा వారు పుష్పాలతోని మన భారత ప్రధానమంత్రికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం కని విని ఎరగని రీతిలో ఇటువంటి స్వాగతం తెలుపుతున్న యొక్క రైతులకు మహిళలకు యువతకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం గిరిజన యూనివర్సిటీ సాధించిన యొక్క గిరిజన సోదరి సోదరీమణులు సైతం పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ప్రధానమంత్రికి స్వాగతం పలుకుతున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం భారత్ మాతా కీ నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వం మోడీ
నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వం పసుపు రైతులందరూ కూడా प्रधानमंत्री की स्वागत पलकड़ कोसम सिद्धम वारू हृदयपूर्वक धन्यवाद पसुपु रैतुल कोसम मोदटिसारिगा देश में नेशनल टर्मरिक बोर्ड एर्पाटु चेसी पसुपु कादु पच्च बंगारम आ बंगारम प्रति ओक्करि इंट्लो मरी सिरुल पंटै निलवालनि कोरुकुन्न व्यक्ति मन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारु रैतु बांधवुडु किसान सन्मान उचित एरुल सब्सिडी मरी व्यवसाय मद्दतर पसुपु बोर्डु इटुवंटि अनेक चर्यल द्वारा रैतु बांधवुडनि रैतुल पक्षपातिगा नरेंद्र मोदी गारु इवाल निलचारनि चेप्पि मनवि चेस्तुन्नानु ఇంతటి ఒక భారీ పుష్పవర్షంతోని తడిసి ముద్దైపోతున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం माता की नरेंद्र मोदी नायकत्वम इंत पेद एत्तुन तरली वच्चिन प्रजलंदरिकी आ कटौट्ल पैन सैतं निलबड्डारु दयचेसि మీరు జాగృత చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా ఇక్కడ ఒక వైపు సౌండ్ బాక్సుల దగ్గర కూడా అనేక మంది సోదరులు నిలబడ్డారు దయచేసి జాగృతగా ఉండవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను పైకి చాలా చోట్ల ఎక్కారు మీరు అక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాల్సిందిగా హృదయపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను కటౌట్లో నరేంద్ర మోడీ గారి అంత ఎత్తుకు ఎక్కిన యొక్క యువ సోదరులకు స్వాగతం పలుకుతూ దయచేసి జాగృతగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను భారీ వర్షం మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మీ యొక్క అభిమానంతో ఈ ప్రాంతం ఏరులై పార్తున్నది देश का प्रधानमंत्री जी करोड़ों लोगों का जन नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अनुरोध करम इस मंच पर आने के लिए मैं स्वागत कर रहा हूँ
భారత్ మాతాకి నరేంద్ర మోడీజీ నాయకత్వం నరేంద్ర మోడీజీ నాయకత్వం వారు వేదికపైకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి అందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మీ రెండు చేతులు ఎత్తి వారికి స్వాగతం పలకవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారిని बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और प्रधानमंत्री एक रोड शो के माध्यम से सभा स्थल पर मंच पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों के बारिश करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। ये दिखाता है प्रधानमंत्री के तेलंगाना में पहुंचने पर कैसे उनका आदर सत्कार और स्वागत किया गया है। लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे थे। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का वाहन गुजरा है वहां पर लगातार फूल ही फूल दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी का दोनों हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पुरुष महिलाएं बच्चे तमाम लोग सभा स्थल पर नजर आए और प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नाचती नृत्य करती नजर आईं और निश्चित तौर से ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जनसभा के तौर पर प्रधानमंत्री ने भी अब से कुछ देर पहले जब 8,000 करोड़ रुपए की विकास सौगातें तेलंगाना को सौंपी तो उन्होंने कहा कि आगे कुछ ही दूर पे खुला मैदान है, खुलकर बात होगी। तो निश्चित तौर से खुलकर बात होगी यानी तमाम राजनीतिक बात भी होगी। किस प्रकार से तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने राज्य को विकास सौगातें दी हैं उसका जिक्र भी होगा, तो कैसे राज्य सरकार के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया जा रहा है इसको लेकर भी प्रधानमंत्री निश्चित तौर से अपनी बात रख सकते हैं और तेलंगाना के विकास को लेकर कैसे आगे तमाम प्रयास किए जाएंगे उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वो अपने आप में अद्वितीय दिखाता और लगातार फूलों की वर्षा, प्रधानमंत्री का जो वाहन है वो पूरी तरीके से फूलों से ढक गया। प्रधानमंत्री के ऊपर उनके साथ में मौजूद जी किशन रेड्डी जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तेलंगाना में निभा रहे हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनके साथ लगातार वो उस विशेष वाहन में मौजूद थे और लोग लगातार फूलों की वर्षा कर रहे प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दरमियान और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जबरदस्त उत्साह साफ तौर से देखा जा सकता है। लोग एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की और लोग अपने फोन में तस्वीरें कैद कर लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने भी हर एक व्यक्ति को उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए दोनों तरफ दोनों हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो निश्चित तौर से तेलंगाना के लिहाज से अगर बात की जाए तो आज का बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसी तमाम बड़ी परियोजनाओं को लेकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की एक शुरुआत की है, विकास की सौगात दी है, जो इस पूरे राज्य के लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ी राहत की बात, खुशी की बात, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो निश्चित तौर से हर आम खास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की एक प्राथमिकता में रहा है। इसी तरह कनेक्टिविटी पर भी बहुत फोकस नजर आ रहा है और तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज वन जिसकी लगभग 800 मेगावाट की इकाई आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की है, तो अपने आप में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसके बढ़ते कदम को दिखाता है। और अपने आप में ये तस्वीरें अब से बस कुछ ही देर पहले की, जब प्रधानमंत्री विशेष वाहन से एक रोड शो के तरीके से सभा स्थल पर पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग उनके लिए स्वागत करते नजर आए और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। हमने देखा है कि आज सुबह प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में दौरे में थे, वहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी थी और उसके बाद में अब तेलंगाना पहुंचे हुए, तो प्रधानमंत्री का भी व्यस्त दिन, लगातार लोगों के बीच जाना, विकास सौगातें देना और तमाम उन बातों का जिक्र करना कि कैसे देश को बीते 9.5 वर्षों से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है तो आगे भी कैसे इस काम को जारी रखा जाएगा, इसकी लगातार कोशिश की जा रही और प्रधानमंत्री इन तमाम बातों का जिक्र भी अपने अभिवादन में करते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने सुना निजामाबाद में ही जब प्रधानमंत्री ने अपनी बातों का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि कैसे आयुष्मान भारत जैसी जो स्वास्थ्य योजना है वो आम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा की दुनिया की सबसे बड़ी योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि कोई भी राज्य हो, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, हर एक तक समान रूप से ये योजनाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से हर संभव लाभार्थी तक पहुंच रही है जो इसका हकदार है। और यही बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। कनेक्टिविटी
लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है। कनेक्टिविटी के लिहाज से रेलवे के माध्यम से कई योजनाओं की आज जो शुरुआत हुई है उससे एक बेहतर आवागमन की सुविधा तेलंगाना के लोगों को मिलती नजर आएगी और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी राज्य की जो ज़रूरतें हैं चाहे वो घरेलू ऊर्जा ज़रूरतें हों या फिर व्यावसायिक ऊर्जा ज़रूरतें हों उसके लिहाज से एक बड़ा दिन। थर्मल पावर परियोजना के माध्यम से फेज़ वन की इकाई जो कि 800 मेगावाट की क्षमता रखती है और इसके बाद भी ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। ये तस्वीरें निजामाबाद की जहाँ पे बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। भले ही भाषा एक अंतर कहीं ना कहीं होता हो लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की स्वीकारता उनके व्यक्तित्व को लेकर लगातार लोगों में बढ़ता आकर्षण ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर से सुदूर इलाकों से लोग पहुंचे हुए हैं और फूलों की ये वर्षा बताती है कि प्रधानमंत्री को लेकर उनके व्यक्तित्व को लेकर उनकी योजनाओं को लेकर उनके द्वारा तमाम कही जा रही बातों को लेकर लोग कितने उत्साहित आराधित हैं और उनको सुनने के लिए उत्सुक और आतुर नजर आ रहे हैं। ये विशाल जन समुदाय यहाँ पे इस बात को साफ तौर से रेखांकित करता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते हुए सड़क के दोनों ओर देखते हुए पंडाल में दोनों ओर दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए महिलाओं में भी खास तौर से उत्साह देखा जा रहा है। परंपरागत वेशभूषा में महिलाएं भी साफ तौर से प्रधानमंत्री के इस वाहन के आगे चलती हुई और ये हमने देखा कि बीते दिनों भी और अभी मौजूदा इस जनसभा में भी जहां कहीं भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मंच से आप देख सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी नायकत्वम, मोदी 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 मोदी, भारत माता की। केंद्रीय मंत्री जी, प्रांत का भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी को मैं अनुरोध करना हूं स्वागत करने के लिए। हमारा निजामाबाद का सांसद श्री अरविंद जी को मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करने के लिए। పసుపు దండతోని వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు। పసుపు బోర్డు ప్రకటించినందుకు పసుపు రైతులు వారికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు। మన గంగారెడ్డి గారు మరి మిగతా యొక్క రైతులు వారందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు। भारत माता की, भारत माता की। अंदर कूडा రెండు చేతులు పిడికిలు బిగించి చెప్పాలి, భారత్ మాతా కీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, వందే జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్। ఈరోజు
మన నిజామాబాద్ జిల్లా అదృశ్యము. ఎన్నో రోజులుగా మన నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు అనేక పోరాటాలు చేసి గ్రామాల నుంచి మొదలు పెడితే జిల్లా జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని చివరకు ఈ నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అనేక ఉద్యమాలు చేసిన తర్వాత మరి ఏ ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకోలేదు. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము మన యొక్క జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి రైతుల సంక్షేమం కోసం రైతుల మేలు కోసం ఈరోజు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించడము నేను జిల్లా రైతుల తరఫున తెలంగాణ రైతుల తరఫున దేశ రైతుల తరఫున ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అందుకే ఒక్కసారి అందరము లేచి నిలబడి నరేంద్ర మోడీ గారికి హృదయపూర్వకంగా మనము స్టాండింగ్ ఓవేషన్ నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరఫున తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. భారత్ మాతాకి. ఈరోజు చాలా సంతోషము. నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడే అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ఎన్టీపీసీ సంబంధించినటువంటి 800 మెగావాట్ల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఈరోజు తెలంగాణ రైతులకు తెలంగాణ ప్రజలకు నరేంద్ర మోడీ గారు మరి అందజేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము, మొన్నటి రోజు మరి పాలమూరు గడ్డ మీద ఇదే విధంగా అద్భుతమైనటువంటి మహాసభ, అద్భుతమైనటువంటి బహిరంగ సభ, అద్భుతమైనటువంటి పాలమూరు ప్రజాగర్జన అక్కడ జరగడం జరిగింది. ఈరోజు మన యొక్క నిజామాబాద్ పాలమూరు తర్వాత నిజామాబాద్లో ఈరోజు కూడా ఒకరోజు గ్యాప్తో ఈ బహిరంగ సభ జరిగింది. నేను మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, వచ్చేది వచ్చే 15 రోజుల్లో 2 నెలల్లో మనకు శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఎంతో పోరాటం చేసి త్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఈరోజు ఒక కుటుంబం పాలైంది. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా సాలు కేసీఆర్ సెలవు కేసీఆర్ అనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ గడ్డ మీద ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ కాషాయ జెండా ఎగరేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఒక్కసారి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా పాలమూరు సభ చూడాల్సిందిగా, ఈ యొక్క ఇందూరు సభ చూడాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీని కాదు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీని కాదు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది సోనియా కుటుంబాన్ని కాదు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని కాదు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నది తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో కాషాయ జెండా గోల్కొండ మీద ఎగరాలని కోరుకుంటున్నారు. మీరు ఎన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు చేసినా ఎంత తప్పుడు ఆరోపణలు చేసినా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీని ఆశీర్వదించాలని సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకే ఈరోజు సాలు కేసీఆర్ సెలవు కేసీఆర్, సాలు కుటుంబ పాలన సెలవు కుటుంబ పాలన. అందుకే మనవి చేస్తున్నాను, కాంగ్రెస్కు ఓటు బీఆర్ఎస్కు మాత్రమే సీట్లు అవుతాయి, అవునా కాదా? కాంగ్రెస్ కోటేస్తే బీఆర్ఎస్ సీట్ అవుతుంది. అందుకే ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పథకం ప్రకారము మజ్లిస్ పార్టీతో కలిసి కుమ్ముకై ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదగకుండా అనేక రకాల తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకే మీ అందరిని కోరుతా ఉన్నాను, ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని బలపరచాల్సిందిగా
भारतीय जनता पार्टी నాయకత్వాన్ని అండగా ఉండాల్సిందిగా మీ అందరి కోరుకుంటూ ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి చరమ గీతం పాడతాము కమలం పువ్వు జెండా ఎగరేస్తాము ఈ యొక్క రెండు పార్టీలు ఏవైతే కేసీఆర్ గాని లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని ఒక అవినీతి పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలు ఈ రెండు పార్టీలను ఈ రెండు పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రెండు పార్టీలు ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీని బుర్దజల్లే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారో తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులతో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో బీజేపీ జెండా ఎగరాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులకు నిజామాబాద్ జిల్లా యువకులకు నిజామాబాద్ జిల్లా అక్కలకు చెల్లెలకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను భారత్ మాతాకి జై భారత్ మాతాకి నరేంద్ర మోడీ జీ నాయకత్వం ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అవర్ సూపర్ స్టార్ श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं इस विशाल सभा के संबोधित करने के लिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की मैं मेरा भाषण शुरू करने से पहले ये नन्ही सी गुड़िया भारत माँ का रूप लेके आई है मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा शाबाश कुटुंब सभ्युलारा आज मुझे तेलंगाना के लोगों को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देने का सौभाग्य मिला है एनटीपीसी के आधुनिक पावर प्लांट से तेलंगाना के औद्योगिक विकास को एक नई गति तेज गति मिलने वाली है और इस प्लांट में जो बिजली पैदा होगी उसका ज्यादा हिस्सा तेलंगाना को ही मिलेगा आपको ही मिलेगा और इससे आपकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी भाइयों बहनों आपको याद होगा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला था और ये मोदी की गारंटी की ताकत देखिए आज मोदी आके उसका उद्घाटन कर रहा है आज ही रेलवे और हेल्थ के भी कई प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों के चरणों में आज मुझे समर्पित करने का सौभाग्य मिला है इनसे तेलंगाना के लोगों के क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलेगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी तेलंगाना और तेलंगाना के लोगों के कल्याण के प्रति भाजपा का बीजेपी का संकल्प लगातार मजबूत हो रहा है ना
కుటుంబ సభ్యులారా आज सबसे पहले मैं निजामाबाद की माताओं बहनों बेटियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आज यहां इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें स्वागत देने करने आशीर्वाद देने आई उससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। तेलंगाना की मेरी बहनें एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बनी है। तेलंगाना की मेरी बहनों ने इतिहास बनाया है। कुछ ही दिन पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। कांग्रेस और उसके इंडी अलायंस एक गमंडिया गठबंधन 30 साल से उसे रोक कर बैठे थे, उनको किसी की परवाही नहीं थी, भांति भांति के चालाकियां करते थे, दिखावा करते थे और खेल दूसरा खेलते थे। लेकिन इस बार ये मेरे देश की माताओं बहनों की ताकत देखिए, नारी शक्ति की संगठित ताकत देखिए कि सारे गमंडिया लोगों को ये संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मजबूरी से समर्थन करना पड़ा है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि तेलंगाना की महिलाओं ने मेरे देश की माताओं बहनों ने साथ मिलकर वोट की शक्ति से अपने एक एक वोट से माताओं ने उसके इस बेटे को मजबूत बनाया है, बहनों ने उनके इस भाई को मजबूत बनाया है और माताएं बहने आपने मजबूती दी है इसलिए मजबूती से ये आपका बेटा काम कर पा रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना वो राज्य है जिसने देश के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया है। आप भारत की प्रगति के आधार है। तेलंगाना में चारों तरफ टैलेंट ही टैलेंट है। जब दुनिया में इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई तो तेलंगाना ने भी वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में भेजी। तेलंगाना के लोगों में विकास की जो एस्पिरेशन है उसे मैं भली भांति समझ सकता हूं। अभी मैं देख रहा था क्या वाइब्रेंसी थी, क्या ऊर्जा थी, क्या जुनून था। मेरे साथियों आपको 100-100 सलाम। केंद्र सरकार में रहते हुए हम तेलंगाना के लिए जितना कर सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने निजाम की हुकूमत, देश तो आजाद हुआ था
लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था, बैठा था कि नहीं बैठा था। एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी भलाई के लिए आया है। हमने तेलंगाना में नेशनल हाईवे, नई रेल लाइनों, नए अस्पतालों का निर्माण किया है। भाजपा सरकार ने यहां बीआरएस सरकार को तेलंगाना के विकास के लिए भारी धनराशि भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बीआरएस ने तेलंगाना के लोगों के लिए भेजा गया जो पैसा भेजा ना, उसमें भी लूट चलाई। लूट सके तो लूट, यही उनका मंत्र है। ना कुटुंब सभ्युलारा, भारत जैसे लोकतंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं। और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। तेलंगाना के निर्माण के लिए हजारों परिवार संघर्ष करते करते तबाह हो गए, अनेकों नौजवानों ने बलिदान दिया, माताएं बहनों ने मुसीबतें झेली, लेकिन एक परिवार ने सब कुछ कब्जा कर लिया और उन परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तेलंगाना में बस एक ही परिवार ने यहां के लाखों परिवारों के सपनों पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान तेलंगाना में या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं है। बस यही काम, लूटो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आपके एक वोट का उपयोग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं? इन लोगों ने तेलंगाना में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान देश के युवा को उठाना पड़ता है। जब पूरा सिस्टम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है, तब वो परिवार सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक उन्हीं लोगों की भर्ती करता है जो उनके करीबी हो। तेलंगाना के नौजवानों को वो अवसर नहीं मिलता है। फिर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तेलंगाना के तेजस्वी युवा को भी कोई मौका नहीं मिल पाता है।
इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष परिवार के बजाय सामान्य मानवीय और उसके परिवार के लिए काम करती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के लोगों को ये कांग्रेस से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको देश समाज कुछ लेना देना ही नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है, नकार चुका है। और आप तो जानते हैं कांग्रेस जिस राज्य में से एक बार जाती है फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दो, सच बता दो, बता दो, बता दो भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना, शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई, 48, किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट पे पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक मंद हो गए? अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया
ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे है, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं, मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगद्दी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था, उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे, मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने अब एक नई बात शुरू की है, ये तो मैंने केसीआर का पुराण बताया, अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी चूरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है, आपको मालूम है ना, 25 साल के बाद
पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है, सरकार ने कब्जा कर लिया है, मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है, मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक, अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को दे लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है? जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए, ये झूठी बातें मत करिए, लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कांग्रेस को, इंडी अलायंस को इस बारे में भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस के साथी जो तमिलनाडु में राज करते हैं, जो केरल में राज करते हैं, जो तेलंगाना में राज करते हैं, जो कर्नाटका में राज करते हैं, ये सारे साथियों को कांग्रेस से बात जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद, सबसे बड़ी जरूरतमंद, जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है, वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है। और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति, उनकी सेवा, उनका कल्याण,
उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों से गरीब कल्याण के लिए दिन रात मेहनत की है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है और इसलिए मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना तो ये देश समृद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही मोदी का सपना है, यही मोदी की गारंटी है, यही मोदी का संकल्प है और यही मोदी की साधना है, यही मोदी की तपस्या है। और मैं अन्य सभी राजनीतिक दलों से भी आज आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं देश के सभी राजनीतिक नेताओं को, सभी दल के मुखियाओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूं, आइए आजादी के 75 साल हो गए, आइए गरीबों के कल्याण पर विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाएं, गरीबों के उत्थान के लिए काम करें। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना विरोधी ये लोग चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाभ देकर अगले 5 साल तक तेलंगाना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। हमें तेलंगाना में इस परंपरा को अब उलट कर देना है। भाइयों बहनों, उसको रोकना है। रोकोगे क्या? रोकोगे क्या? तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। आज भी कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना के लोगों से विश्वासघात कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसे ही बड़े वादे किए और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग शर्त रख रही है। पहले तो बोल देते हैं ऐसा करेंगे, फिर कहते हैं ऐसा होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो नहीं करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे, उधर वाला होगा तो क्यों भाई, जनता को मूर्ख बना रहे हो? यहां बीआरएस ने भी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का झूठा वायदा किया। कांग्रेस और बीआरएस का रवैया बिल्कुल एक समान है। चुनाव से पहले आसमानी वादे करो और चुनाव के बाद सारे वादे भूलकर अपनी तिजोरी भरो। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने वायदे पूरे करने का है। पिछले कुछ महीनों से आप सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लाखों युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसकी घोषणा पिछले साल हुई थी। इस मेले के जरिए देश के हर कोने में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, पब्लिकली नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। तेलंगाना के युवाओं को भी इसके जरिए, हजारों तेलंगाना के युवाओं को आज भारत सरकार में हमने काम दिया है। यहां के युवा ये देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट और पारदर्शी तरीके से हुई है।
तेलंगाना में से एक भी शिकायत नहीं आई कि नौकरी मिली लेकिन किसी को मोदी को पैसा पहुंचाना पड़ा, ऐसी एक घटना नहीं आई है भाइयों। इसलिए बीआरएस के युवा विरोधी रवैये और इसकी सरकार को यहाँ के युवा करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं। मेरी बात सही है ना? मेरी बात सही है ना? युवाओं ने तय कर लिया है ना, ये जाएगा ना, बीआरएस जाएगी ना, पक्का जाएगी ना। मैं तेलंगाना के युवाओं से भी कहूंगा, हमारे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार आते ही बीआरएस के पापों को मैं एक एक खोल करके रख दूंगा, उनकी सारी बुराइयों को निकाल करके रहूंगा और अभियान के तौर पर करके रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कैसे लूट रहे हैं। यहां के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ऐलान किया। इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के किसान आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीआरएस गवर्नमेंट ने उनके साथ फिर वह हर वादे को तोड़ा है। बीआरएस सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। यहां सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई लेकिन या तो उन्हें पूरा नहीं किया गया या फिर बिना तैयार किए उनका उद्घाटन करके फोटो खिंचवाते रहे। दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने ना सिर्फ किसानों की मदद का वादा किया बल्कि 40 लाख किसानों के खातों में करीब 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कोई कटकी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई चोरी नहीं। हमने एमएसपी बढ़ाने का वादा किया, उसे भी पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है, पूरी करके रहता है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले के किसी एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्पादन और एक्सपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चला रही है। इस योजना के तहत निजामाबाद के हल्दी को प्रमोट किया जा रहा है और हल्दी की जब बात आती है ना, मैं खास करके मेरी तेलंगाना की बहनों को आज शत शत नमन करना चाहता हूं। मैं तेलंगाना की किसान माताओं के चरण मेरे माथे पर लेता हूं। उस चरण रज से मैं अपने आप को एक पवित्र प्रसाद के रूप में ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ तेलंगाना की माताएं बहने हल्दी की खेती में दिवस रात मेहनत करती, इतना ही नहीं वो खेती की पैदावार करती, ऐसा नहीं, लेकिन कोविड के समय हल्दी ने दुनिया के बहुत लोगों को राहत दी है। पूरी दुनिया में हल्दी पहुंची है। दुनिया को बीमारी से मुक्त रखने का काम ये मेरी तेलंगाना की और मेरे देश की हल्दी पैदा करने वाली माताओं बहनों ने की है और इसलिए मैं उसे नमन करता हूं। और इसलिए महबूब नगर में ही मैंने इससे जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। हमने किसानों से किया एक और वादा पूरा कर दिया, हल्दी उगाने वाले किसान भाइयों के लिए, उनके विकास के लिए अब देश में नेशनल टर्मरिक बोर्ड उसका करण किया जाएगा। ये बोर्ड हल्दी की उपज को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विस्तार देने में मदद करेगा। इस निर्णय का बड़ा लाभ तेलंगाना के किसानों को भी होगा। मैं एक बार फिर तेलंगाना के किसानों को, निजामाबाद के किसानों को
और खास करके हल्दी के खेत में काम करने वाली मेरी लाखों माताओं बहनों को आज टर्मरिक बोर्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, आप बीजेपी को एक मौका दीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। देंगे? मुझे सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपकी सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपके दुख दूर करने का मौका देंगे? मुझे आपके पाई पाई की कमाई को बचाने का मौका देंगे? मुझे आपका भला करने का मौका देंगे? मुझे तेलंगाना के तरुणों का, नौजवानों का, यूथ का भला करने का मौका देंगे? आपका ये इंसाफ मांग मेरा वादा है, जो कहा है वो करके रहूंगा। हम दिखाएंगे कि तेलंगाना कितनी ऊंचाई पर जा सकता है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बन गई तो यहां का विकास भी डबल ताकत से, डबल तेजी से, डबल गति से होने वाला है। बीजेपी तेलंगाना की लूट बंद करेगी, बीजेपी तेलंगाना के युवाओं को नए अवसर देगी, बीजेपी तेलंगाना की महिलाओं को मान सम्मान और सुरक्षा देगी, बीजेपी तेलंगाना में ईमानदार और पारदर्शी शासन लाएगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, चाहे गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो, भाजपा समाज के हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के लोग अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग का आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहूंगा, हर बूथ को जीतिए, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतिए। कमल घर घर पहुंचे, कमल हर दिल में पहुंचे, कमल के दिल में हर तेलंगाना का नागरिक और तेलंगाना के हर नागरिक के दिल में कमल। हम मिलकर तेलंगाना के लिए लोगों की आकांक्षा पूरी करेंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, यही हवा का रुख बता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।